कौन से मैच के भैया? 91 से। अभी रिटायरमेंट दूर है, ERS की जरूरत नहीं पड़ जाएगी? सैंड में हम लोग कॉन्टैक्ट में है सर, जैसे बता रहे हो आप। जी सर, ERS की जरूरत नहीं पड़ जाएगी आप। अगले 7 दिन तक सिर्फ आपके एरिया में, पूरे एरिया में घूमेंगे। डेली मेरे पास रिपोर्ट आनी चाहिए, कितने एरिया आप घूम के आए। यहाँ बैठ के रिपोर्ट नहीं बननी, आपकी गाड़ी की माइलेज देखूंगा मैं। अहो में दौरे पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जहां अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर देश के 100 आकांक्षी जिलों में शामिल छतरपुर जिले के खजुराहो और छतरपुर के रेलवे स्टेशनों के विकास पर चर्चा की, तो वहीं इन बैठकों के दौरान मंत्री का एक सख्त चेहरा भी अधिकारियों ने देखा। बैठक के दौरान जब रेल मंत्री ने जिले से होने वाले रेत के परिवहन से जुड़े आंकड़े रेल अधिकारियों से पूछे तो उन्होंने गलत आंकड़े पेश कर दिए। जब इसी सवाल पर चंदला से भाजपा विधायक राजेश प्रजापति ने सही आंकड़े मंत्री को बताए तो रेल मंत्री ने गलत आंकड़े देने वाले अधिकारी को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने अधिकारी से यह तक कह दिया कि कमरों में बैठकर कागजी आंकड़े ना बनाए, वरना BRS लेकर घर बैठे। सर, मेरे यहाँ सबसे ज्यादा जिले की सैंड माइंस भी वहीं से है। जिले की पूरी 48 करीब सैंड माइंस है, जिसमें से 90% मेरे विधानसभा के अंतर्गत आती है। सैंड माइंस यहाँ से केन नदी लगी हुई है। केन नदी जो पूरी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में है, आधी मध्य प्रदेश की सीमा में मेरी विधानसभा में है। बालू कितनी जाती होगी, बालू कितना ट्रक जाता होगा? करीब 1 से 1.5 हजार ट्रक बालू निकल जाता है उत्तर प्रदेश। क्या सीएम साहब आपको? नहीं सर, सैंड वगैरह तो अभी लोडिंग नहीं हो रहा है सर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर, काफी लोगों से बातचीत भी की है उधर सर, खैरार साइड में। नहीं, आपको तो फिर कुछ अंदाज ही नहीं है। कोविड के कारण अगर एमएलए साहब जितना बता रहे हैं उसका तो आधा ही ज्ञान नहीं है आपको। क्या सीओ घर में बैठ के लिख लेते हैं, क्या काम कर रहे हैं क्या भैया? आप लोग को इतनी बार मैं 50 बार बोल चुका हूँ, आप लोग जाए समझे, फील्ड को समझे, रियलिटी समझे, सच्चाई समझे, जनप्रतिनिधियों से मिले, गांव गांव की आपको पकड़ होनी चाहिए। क्या है काम? कौन से मैच के भैया? 91 से। अभी रिटायरमेंट दूर है, ERS की जरूरत नहीं पड़ जाएगी? सैंड में हम लोग कॉन्टैक्ट में है सर, जैसे बता रहे हो आप। जी सर, ERS की जरूरत नहीं पड़ जाएगी आप। जाओ फील्ड में घूम के आओ पूरा। अगले 7 दिन तक सिर्फ घूमोगे, अगले 7 दिन तक सिर्फ आपके एरिया में, पूरे एरिया में घूमोगे। डेली मेरे पास रिपोर्ट आनी चाहिए, कितने एरिया आप घूम के आए। यहाँ बैठ के रिपोर्ट नहीं बननी, आपकी गाड़ी की माइलेज देखूंगा मैं। 15 अप्रैल को एक अधिकारी को फटकार लगाने के बाद 16 अप्रैल को भी एक बैठक के दौरान सीधी सांसद रीति पाठक के द्वारा रेलवे अधिकारियों के संबंध में की गई एक शिकायत पर वे फिर से अधिकारियों पर बिफर पड़े। उन्होंने कहा कि अधिकारी मैदान में जाकर जनप्रतिनिधियों से मिलकर वास्तविकता के आधार पर आंकड़े और योजनाएं बनाए, चाहे इसके लिए अधिकारियों को वहां कैंप क्यों ना करना पड़े। अगर अधिकारी गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं तो उन्हें BRS देकर घर बैठाया जाएगा। आपने देखा है, 2 सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स को BRS देना पड़ा, सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स को BRS दिया। आपने देखा है, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, मैं कंपल्सरी रिटायरमेंट भी करने के लिए तैयार हूँ, 311-2 का इस्तेमाल भी करने के लिए तैयार हूँ। 311-2 आप समझते हैं सर? कितने लोग समझते हैं? नहीं समझते तो समझ लें। आपने 311-2 का भी इस्तेमाल करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ, लेकिन आपको अपने काम की शैली बदलनी पड़ेगी। ऐसी काम करने की शैली से रेलवे नहीं चलेगा। देश की जो अपेक्षा है आपसे, वो अपेक्षा पूरी नहीं। आप एक व्यक्ति को वहां पे पोजीशन करो, परमानेंटली वहां पे पोजीशन हो, इसका ABC डॉक्यूमेंट अगर बनना है तो ABC डॉक्यूमेंट इसका दिन रात काम करके बने। जो आप इसमें सोच रहे हो कि बहुत लंबा समय लगेगा, मैं वैसा नहीं करने दूंगा। वहां पे आपको बैठ के डे टू डे प्रोग्रेस वहां पे करवानी पड़ेगी। एक ऑफिसर को परमानेंटली वहीं पे बैठाना पड़ेगा। कैंप में रहे, ऑफिस में नहीं रहे। वहां पे कैंप ऑफिस बना के वहीं पे जाके रहे, साइट पे।
समझे ना। और इस तरह की चीज आपके किसी भी और प्रोजेक्ट में हो तो अभी ढूंढ के देख लो, 3 महीने के बाद में अगर कोई ऐसी गलती रही तो वहां पे जीएम साहब सीएम साहब आप दोनों अपने घर घर जाए, मुझे नहीं चाहिए ऐसे ऑप्शन। सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को अभी चेक कर लो, फिर बाय चांस की बात नहीं आनी चाहिए। संजय जीएम साहब दोनों के दोनों जीएम साहब आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स को चेक कर लो, फिर चेयरमैन साहब के यहां से एमआई साहब के यहां से इंस्ट्रक्शन दिलाओ, सभी अपने अपने प्रोजेक्ट्स को चेक करें, जो पॉइंट है वो 3 महीने के अंदर अंदर उसको निकाले, अगर दिक्कत है अभी सॉल्व करें, फिर बाद में ये नहीं होना चाहिए 1.5 साल के बाद में कोई कहे इसमें ये दिक्कत है। आज के आज इंस्ट्रक्शन इश्यू होना चाहिए। इसी तरह उन्होंने छतरपुर जिले में मोदी सरकार के जल जीवन मिशन को भी समय पर पूरा करने के लिए छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर को टारगेट दिया। उन्होंने कलेक्टर को 30 अप्रैल तक का टारगेट दिया और कहा कि संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजें ताकि 100% आबादी तक साफ पेयजल पहुंचाने के मोदी सरकार के भागीरथी प्रयास को छतरपुर जिले में अमल में लाया जा सके। काम करें वो ये मंत्रालय की बात नहीं है, ये हमको सबको मिलकर करना पड़ेगा। तो आप 30 तारीख तक का टारगेट लो, प्रपोजल भेजो दिल्ली से। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ।